उत्तर प्रदेश में चल रही ताबड़तोड़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्परों और मिनी कार्यकर्ताओं की भर्ती के संबंध में ये वीडियो आप लोगों के लिए है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे ज़िले का, हमारे ब्लॉक का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का जो फॉर्म है अभी नहीं आया है। तो उन लोगों के लिए भी बड़ी अपडेट है, और जिन लोगों के फॉर्म आ चुके हैं उनका सिलेक्शन कैसे लेना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग अपना जो है अपना रहे हैं तरीका सिलेक्शन लेने का, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मारामारी ज़्यादा है, और जिसका भी चयन हो जाएगा वो जिला स्तर से होगा। इसमें किसी विशेष प्रकार का एग्जाम्स नहीं है जिसमें ज़्यादा पारदर्शिता बरती जाए, तो सिलेक्शन लेना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि राष्ट्रीय बाल और पुष्टाहार विभाग जो आपका जिला स्तर पर बना हुआ है वही इसकी नियुक्तियाँ करेगा। इसमें क्या होगा कि आपकी किस प्रकार से सिलेक्शन होना है और क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आपके लिए आवश्यक हैं, उसके साथ साथ आपके पास जो होना चाहिए, जिस तरीके से आपकी 100 सिफारिश होनी चाहिए वो कहाँ तक होनी चाहिए और कौन इसमें जो है हेल्प कर सकता है, यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आप लोगों को बता दूँ कि ये जो ऑनलाइन आवेदन है इसमें 28 जिलों के लिए जो है आवेदन जो है पहले ही जारी हो चुके हैं, जिसमें आपके सहारनपुर, शामली वगैरह वगैरह इस तरीके से काफ़ी जिलों के जो हैं विज्ञापन जारी हो चुके हैं। आप देख करके उनका, यदि आप उनसे संबंधित हैं तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी के लिए जो है आयोग ने नोटिस दिया है कि 3 जुलाई तक निश्चित आपको जो है यहाँ पर विज्ञापन जारी करना होगा, निश्चित विज्ञापन जारी करना होगा, और इसके लिए जो है प्रत्येक जिलों को जो है नोटिस दिया गया है कि आप जो है 3 जुलाई तक हर हाल में अपना जिले का जो आपके खाली पद हैं उसके लिए आप आवेदन निकालिए। आवेदन आपके देखिएगा ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं, इसमें ऑनलाइन आवेदन में कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही है, 0 फीस पर आवेदन है, तो आवेदन करने में कोई हर्जा नहीं है, सभी लोग इसमें आवेदन करेंगे। और ये जो पद हैं वो केवल और केवल महिलाओं के लिए है, तो पुरुष कैंडिडेट्स तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए ये जो है पद विशेष रूप से लागू हैं। इनमें महिलाओं के लिए भी, इनमें कुछ विशेष महिलाएं होती हैं जो मैं बताऊंगा, जिनको रिजर्वेशन है अर्थात जिनका सिलेक्शन जो है पहले लिया जाएगा, तो कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं कि 3 जुलाई तक आपका जो है विज्ञापन हर हाल में, और विज्ञापन के 45 दिन के अंदर ये जो है भर्ती पूरी करनी होगी, यानी 45 दिन तक ये भर्ती जो है आपको विज्ञापन जारी होगा। 3 जुलाई को यदि किसी का विज्ञापन जारी भी होता है, हालांकि 3 जुलाई से पहले ही सभी जिलों के विज्ञापन जारी हो जाएंगे, 3 जुलाई जो है लास्ट डेट है विज्ञापन जारी करने की, तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको जो है नियुक्ति देनी होगी, यानी कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ये कहा है आयोग ने, और इसके लिए जो है नोटिस जारी किया गया है सभी जिलों को। तो ये भर्ती के लिए आप जो हैं अपने दस्तावेज तैयार रखें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर 3 प्रकार के पद होंगे जो होता है, एक होता है आपका सहायक कार्यकर्ता और एक होता है आपका मिनी कार्यकर्ता। तो ये जो 2 प्रकार के कार्यकर्ताओं के पद हैं, सहायक कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता, और तीसरा जो पद है वो है हेल्पर का। तो यहाँ पर पहले और दूसरे पद के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशंस है उसमें यदि बात की जाए तो 10th पास आपके पास होना चाहिए Post 1 और Post 2 के लिए, यानी कि ये जो मिनी कार्यकर्ता है और आपकी जो सहायक कार्यकर्ता है, पहली और दूसरे नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास इसके लिए क्वालिफिकेशंस है। हेल्पर के लिए यदि बात की जाए कि हेल्पर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो आपके पास 5वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है। महिला कैंडिडेट जिन लोगों ने कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की है वो हेल्पर के लिए आवेदन कर सकती हैं। हेल्पर में आपको जो है ये जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी सहायता करनी होती है, इसके लिए काम की डिटेल्स मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताई हुई है। मैंने 3 महीने पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 53,000 पद आप लोगों के लिए निकलेंगे आंगनवाड़ी के, और कोरोना के कारण हालांकि ये थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अब जो है फॉर्म चल रहे हैं इसके। तो यहाँ पर यदि बात की जाए इसकी क्वालिफिकेशंस के संबंध में, तो 10th पास आपके पास और 5वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की यदि बात की जाए तो देखिएगा एज जो है आपकी मिनिमम जो एज है वो आपकी 21 वर्ष है,
और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी यहाँ पर 45 वर्ष है। तो 21 से 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें शामिल किया गया है आपका दो प्रकार के क्षेत्रों के लिए ये आवेदन होंगे, एक होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा होता है आपका शहरी क्षेत्र। तो यहाँ पर मैं पहले बात कर दूँ ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं जो आवेदन करेंगी उनके लिए 46,080 रुपये का जो वार्षिक आय का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, कम से कम इतनी आय आपके पास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आय आपके पास नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो आय है आपकी यदि आप ग्रामीण स्तर से आवेदन करना चाहते हैं तो 46,080 रुपये आप मान करके चलिएगा कि 46,000 से कम का आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वार्षिक आय जो है आपकी 46,000 से कम होनी चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो आपके लिए कंडीशन है वो है शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए ये जो आय है वो मैक्सिमम है यहाँ पर देखिएगा 56,450 रुपये, ये जो है वार्षिक आय है यानी कि ईयरली है आप लोगों के लिए, ईयरली अर्थात एक साल में कुल मिलाकर के इससे ज़्यादा आय आपकी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको तीन कंडीशन यहाँ पर मुख्य रूप से जारी कर दी है, 10th या 5वीं पास आपके पास होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। दूसरी कंडीशन है 21 से 45 वर्ष के बीच आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। तीसरी है ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से आप जो है संबंध रखते हो तो आपकी भी जो आय है वो इससे ज़्यादा मैक्सिमम ना हो। और चौथी आपकी जो कंडीशन है वो देखेगा यूपी के निवासी आप हो, यानी कि यूपी का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये सभी के पास आम रूप से मिल जाते हैं, लेकिन निवास प्रमाण पत्र यदि किसी महिला के पास नहीं है तो तुरंत अपना बनवा ले, तहसील से आपका 3 से 4 दिन में बन जाएगा, या आय प्रमाण पत्र है वो भी आपका तुरंत बन जाएगा। तो ये जरूरी दस्तावेज हैं इसके लिए, बाकी फोटो या साइन वगैरह वो कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, वो आपके तुरंत के तुरंत आपका हो जाता है काम। अब बात आती है इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन के लिए जैसा कि मैंने बताया पहले आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जैसे भी आपका स्तर है शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो आप उस पर ऑनलाइन आवेदन कीजिए। दूसरा जो आपका प्रोसेस हो उसके बाद जो है आपका जिला समिति इसका तय करेगी कि जिला समिति जो है आपकी राष्ट्रीय पुष्टाहार और पोषण संस्थान के लिए जो समिति आपकी बनाई गई है वो इसकी जो है यहाँ पर सूची जारी करेगी, यानी कि लिस्ट जारी करेगी कि कौन से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, किस ब्लॉक में हुआ है और किस गांव में हुआ है। ये जो आपके पद हैं ये ब्लॉक यानी कि क्षेत्र स्तर पर हैं, और क्षेत्र में जो संबंधित आते हैं आपके दो प्रकार के आते हैं, एक शहर और एक आता है आपका ग्राम। तो शहर में भी आपका किस मोहल्ले में किस जगह रिक्ती है ये आपको आपके ज़िले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जब आपका फॉर्म निकलेगा वो फॉर्म भरोगे तो आपसे मांगा जाएगा, तो उसमें ब्यौरा आएगा कि आपका इस गांव में इतनी नियुक्तियां हैं या इस क्षेत्र में इतनी नियुक्तियां हैं और किस पोस्ट के लिए आपकी नियुक्तियां हैं। तो ये आपको ब्लॉक या शहरी स्तर पर ग्राम स्तर पर आपको जो है अपना आवेदन भरना होगा। तो इसके लिए चयन होगा आपका कि यदि कैंडिडेट जो है ज़्यादा आवेदन करते हैं तो उसमें आपका एक जो है एक तरीके से इंटरव्यू लिया जाएगा, यहाँ पर जिला स्तर पर जिला लेवल पर आपका जो है इंटरव्यू होगा, इसमें आपसे कुछ पूछा जाएगा संबंधित क्वेश्चंस बच्चों के पालन पोषण से, क्योंकि आंगनवाड़ी विभाग जो है गर्भवती महिलाओं और स्पेशल जो है छोटे बच्चों के लिए पोषण के लिए बनाया गया है, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो वरीयता दी जाएगी वो देखिएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि लड़की इसमें आवेदन कर सकती है, इसमें जो है विवाहित महिला जो है यहाँ पर आवेदन करेंगी, और विवाहित महिला नहीं है लेकिन उम्र उसकी ज़्यादा हो चुकी है तो वो भी आवेदन कर सकती है। विशेष छूट जो है, विशेष छूट किन महिलाओं को है वो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, विशेष छूट जो है विधवा महिलाओं को है, विधवा महिलाएं जो हैं या तलाकशुदा महिलाएं जो हैं उन लोगों को विदेश यहाँ पर विशेष छूट है। तो इस तरीके की महिलाएं हैं या फिर आपकी जो विकलांग महिला हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर विशेष रूप से छूट मिलेगी। बाकी आपका रिजर्वेशन के लिए सीट यहाँ पर निर्धारित की जाएगी कि आपका SC में है, OBC में है या आपका जनरल में है, तो उसी कोटे से उसी सीट पर उसी प्रकार की महिला का सिलेक्शन होगा। वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है, यदि कोई डाउट हो तो बताइएगा, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और घंटी जरूर बता दें।
क्योंकि एक भी वीडियो यदि मिस होता है तो अब आपका कैरियर जो है यहाँ पर दाव पर लगता है, क्योंकि न्यूज जो है यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस समय यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि 2022 में आपका इलेक्शंस है। तो अभी ये मौका है आप लोगों के पास भर्ती होने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।